तो देखो इतना मतलब आ जाओ, ये पी रहे हैं चाय। पसंद पसंद लंबी, हाँ लंबी। मॉर्निंग गाइज, और मैं आ गई हूँ किचन में सुबह सुबह, और आटा मैंने छान लिया है, और ये आलू हैं, मिर्ची है, और ये पनीर है मेरे पास। तो एक बार मैं इन्हें कस लूँ, फिर बताऊँगी आपने कि मैं इसमें मतलब कुछ एक नया आलू का परांठा बनाऊंगी, जो कि हम पैक करके ले जा सके हैं। आलू के परांठे हम लेकर जाना तो वे बिल्कुल मतलब टूट जाए हैं, और ये बताऊंगी कि हम ट्रेवल में लेकर जा सके हैं, बहुत बढ़िया बनाएंगे। तो आपको भी दिखाती हूँ एक बार मैं कस लूँ पनीर ना आलू ने। गाइस मैंने ये कस लिए हैं, की आवाज आती होगी। और इसमें आटे में मैंने डाला है जमान की जगह जीरा, नमक और हरी मिर्च, आप लाल मिर्च भी डाल सको हो। और ये आलू भी और पनीर भी मैंने साथ में कस लिया, ये भी ज्यादा सारा इसके अंदर। और आप इसमें मतलब आटे की तरह गूथना है, ये पानी मतलब पहला इससे तो गूथना है ये, क्योंकि आलू भी गिल्ले हो ना इस मारे जितना हो है, और पनीर भी गिल्ला हो है। तो पहला इसमें मतलब पानी की जरूरत भी पड़ेगी थोड़ी बहुत, ज्यादा ना पड़े। हम इसमें आटा लगा ले, एक सॉफ्ट सा डो बन जाएगा बहुत बढ़िया। एक बार मैं लगा लूँ और आपको भी दिखाती हूँ। मेरा आटा लग गया हर न्यू को ना, क्या मतलब कोई दिक्कत आओगी इसमें, रात में भी इतना ना चिपकता। और इसमें ना मैंने पानी नहीं डाला, थोड़ी सी मड़ाई डाल ली थी, पानी का बस मड़ा साथ लग गया है, एक वो गिरा है बस, चलो क्या करे जिसने ऐसे नू डाला करे, बाकी ऐसे ही हो गया ही। और देखो बहुत बढ़िया डो लग गया, तो मैं एक बार इसके परांठे और बना के दिखाऊँ आपको। तो देखो गाइस मैंने ये पराठा बता दिया है, और लोई भी बना दी है, और ये चिपकता नहीं है बिल्कुल भी, आता आप सोचो कि चिपके हैं। देखो कितना बढ़िया बन रहा है ना, एक बार सेक को दिखाऊंगी आपने, बतावा गर्म हो गया है। और देखो हमारा पराठा बन के हो गया है रेडी, करारा करारा। और ना वाक्य में एक यो टिफिन पैक पराठा है, आप बना के देखियो इतना बढ़िया लगा है ना बहुत। और ये ना मैंने भी पहली बार देखा गाइज, मेरी मम्मी ने बनाया था, हम गरा जा रहे थे ना जब टिफिन पैक के लिए, तो देखो इतना मतलब, और है ना ये टूटेगा नहीं, मतलब जैसे गला गला सा हो जाया करे ना टिफिन में, तो वो नहीं होगा। ये बस इसको ना अच्छी तरह ऐसे एक बार हाथ तक करके, और ये बदाना है थोड़ा सा, रोटी की तरह ही हो जाए बिल्कुल। गोल पराठा बनाऊंगे तो इसमें घी भी कम लगेगा, और घी तेल तो मैं वैसे ही बहुत कम लगाया करूं। तो ये देखो मैंने लोई भी बना के दिखा दी आपते, और देखो भाई मैं इन्हें बता के भी दिखाऊंगी। और ये टिफिन पैक पराठा है बहुत बढ़िया, मतलब आपने पैक भी करके दिखाऊंगी। और हमने ना शाम तक रखे थे, बिल्कुल एक भी वो नहीं टूटा है। और ये है मेरी मम्मी की स्पेशल रेसिपी, मैंने अब की बार देखी थी, मैं घर जा रही थी जब मम्मी बना रही थी, तो मैंने बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल बनेगा सबके लिए। क्योंकि आलू के पराठे खाने वाले जो शौकीन हैं उनके ना आलू के परांठे बिल्कुल चूरा चूरा हो जाए, तो आप इन्हें बना कर ना खा कर देखियो। अगर पनीर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आलू आलू के भी बहुत टेस्टी लग गए हैं, बहुत बढ़िया पराठे बने थे भाई। कितने सारे हो गए, और दूध लेकर आ गए हैं सोमवीर जी, और मैं दूध का भगोना रिता दूँ एक बार, क्योंकि फिर ये दूध उध जाएगा ही नहीं, मैं भगोना में एक तो पहला एक काल रित लिया था, एक ही आज भरा है। और चाय का मैंने डाल दिया, चाय बनाऊंगी एक बार, क्योंकि हम चाय भी लेकर जाया करें साथ में, क्योंकि टाइम बहुत लग जाए है ना इस मारे, तो एक बार मैं इन्हें ओझ लूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और हम जा रहे हैं अब, तो चलिए आज हमारे साथ हम खा जाएंगे हॉस्पिटल। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? हम सब बिल्कुल ठीक हैं, आशा करते हैं आप भी सब ठीक होंगे। तो चलिए चलते हैं, आज जा रही हूँ मैं दवाई लेन हॉस्पिटल में, तो आपने भी दिखा के लाऊंगी, आप भी मेरे साथ चलो। खाना बना बना लाए हैं, पराठे बना के लाए हैं, आलू पनीर के आपने देख लिए होंगे,
और अन्नी स्कूल जा चुका है और रिति रितिका की आज छुट्टी थी। सोमवीर जी तो भाई बहुत मतलब सुबह ना कितना भी जल्दी कर ले पर जल्दी होती है कौन है, मतलब काम निमटन में नहीं आते। दूध दाद इतना ज्यादा हो जाए कि बस पूछो मत, और दूध दम गर्म भी नहीं करका है, बस छान कर ना और फ्रिज में रखाए हैं। फिर भी बर्तन वर्तन चाय वाये अपना खाना वाना सब कुछ साथ ले आए, हानि का बना कर भी रखे आए हैं। तो अब हम जा रहे हैं और आज हम ना सच्ची में लेट हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो मिलते हैं आपसे, रास्ते में कुछ होगा तो आपके साथ शेयर करेंगे, ना तो हॉस्पिटल में मिलेंगे फिर। और ये हम आ गए हैं हॉस्पिटल में और अब होगी यहाँ पर चेकिंग। सब गाड़ी ना यार चेक होकर न जब जाओ है, तो हम कई साल ताव है तो ये बस थोड़ी सी चेक करके ना हमने जाल दिया करे है ना जी। अब देखेंगे पार्किंग में लगाऊंगे गाड़ी, अगर जो वहां मिलगी तो ठीक है ना तो यहाँ लगाऊंगे आकर। और आज हम बहुत लेट हो रहे हैं गाइस, देखो आज नंबर कैसे आएगा। तुम बता दो। हाँ और वे गए पार्किंग में गाड़ी लगाना और हम यहाँ पर उतर लिए थे क्योंकि यहाँ पर टोकन लेना पड़ा है और मन टोकन ले लिया है। ये है मेरा नंबर आज ना तो है ना, हमारा नंबर ना 4 या 5 हुआ करता और इसमें नंबर चलेंगे यहाँ पर बैठ जाएंगे, इसमें नंबर स्क्रीन पाते रहेंगे हमने पता चल जाएगा। तो 27वां नंबर चल रहा है हमारा है 33वां नंबर, आज वाकई में बहुत ज़्यादा लेट थे। तो सोमवीर जी आ गए हैं, हमारा नंबर भी आ गया, यो सैंपल टोकन है यो नंबर हमारा, क्योंकि ना नए नए रूल चला दे हैं ये, अब की बार लेना पड़ा ना तो हर बार ना लिया करते। और यहाँ पर होगा सैंपल टेस्ट ये मेरा और अंदर ये मतलब अंदर का था ये सारा, और रितिका अलाउड नहीं थी तो मैंने खुद बनाई थी थोड़ी बहुत, अब लेंगे। और ना मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भीड़ हो रही थी यहाँ पर और अब हम आ गए हैं बाहर की तरफ और देखो कितनी प्यारी रंगोली बना रखी है, हैप्पी ओनम लिख रहा था ये पर देखो, और यह फुल्ला तो बना रखी है बहुत प्यारी लग थी। जो भी फेस्टिवल हो ना वे सब मतलब वो आड़ बनावा है ये, जो भी कुछ हो क्रिसमस हो चाहे कुछ भी हो सब के मतलब ये आड़ बनाया करें। और अब हम जा रहे हैं ऊपर, ऊपर टोकन लेंगे, ऊपर का भी टोकन लेना है डॉक्टर की पर्ची लेने के लिए, और ये नीचे का था सारा रिसेप्शन वगैरह। सोमवीर जी मतलब वो लेने गए थे हमारी और ये आ गए थे, और ये आगे थे हम बाहर टोकन लेकर ना, क्योंकि डॉक्टर ना 12 बजे बैठेगा, टाइम 9:30 का होया होगा। अब खाएंगे हम खाना गाड़ी में ही बैठ कर ना, क्योंकि ना वहाँ पर दुखी हो जाए बिल्कुल बैठे बैठे चेयर पे, थोड़ी देर बैठेंगे आराम करेंगे फिर जाएंगे, डॉक्टर आएगा तब तक खाना खा लो। अरे ना एक नंबर के परांठे बनते बढ़िया लग गया आपने बढ़िया, जो आलू के परांठे है ना वे गिले गिले से हो जाया करे ना, नू को ना हो रहे देखो बिल्कुल, मतलब इनमें ऊपर तो देसी घी लगाए चुपड़ लिए, एक नंबर के को तीनू के परांठे हैं टेस्ट। और दो जंगा तो लिया तू ना था ना, मगर देखो आप छोरे ने तो लिया फिर बाद में, मगर जीजी तू मत ले पूरे सरों में नट जा अगर मन कही थी उस तक मगा ना ना लिया जा अब तो मगा मेरा है ना नस ना मिलती गणी बारीक नस है, फिर भी उसने दर्द कर दिया मेरा। फिर दूसरी जगह मैंने वो छोरा बुलाया मगा भाई आप लिया करो मगा मेरा सही ना मत ले लिया करो, इसीलिए आयुर्वेद में भी सबसे ज्यादा बता दिया। तो गाइस हम कर रहे हैं यहाँ पर आराम, खाना वाना हमने खा लिया है, सारे लौट रहे हैं, सोमवीर जी भी लौट रहे हैं क्योंकि हमने 9 से 3 घंटे थी मतलब आराम करना है, 3 घंटे वेटिंग में हम, हमारा डॉक्टर आओगा 12 बजे आपका कि। और ये देखो क्या हुआ जी, वेटिंग चल रही है रीति और रीति का और दुखी कर दिया हमने छुट्टी वाले दिन है। यस या वरना थी मगा चालन बेटी नहीं पता चला जी
पता के चलना चाहिए अब शॉपिंग करवा दियो ना, ये तो घर में बैठे बैठे नहीं सोच सकी ना, इन बेरा है बच्चा ने हॉस्पिटल में आना असी खेलनी है डॉक्टर के पास, और सरकारी में तो बस बुझो मत, प्राइवेट में तीन तीन घंटे वेट करना पड़ रहा हमने। हम लेट जा भाई, मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये देखो गाइस, यहाँ पर इंटरनेशनल है ना, पेंट्री वगैरह भी है, सब कुछ मिल रहा है, होटल की तरह हो रहा बिल्कुल। पर है ना, तीन साल हो गए हमने तास्ती अड़े तो कुछ भी नहीं लिया है, बहुत बहुत ज़्यादा महंगे हैं, क्योंकि बाहर देश के आओ है ना, तवे तय उस हिसाब से देवे हैं सब कुछ, तो मतलब सारी चीज़ हैं, केक वगैरह सब कुछ मिल रहा है, कति सब कुछ। डॉक्टर को दिखा लिया है और दवाई घर पे ही मंगवाएंगे, तो अब चल रहे हैं, देखिए कहाँ जाएंगे, आपके साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पर जाम लग चुका है, देखो मेट्रो जा रही है ऊपर, दिख रहा है, चली गई। ये पी रहे हैं चाय हम तो जूस पियेंगे जूस चौधरी परम प्रकाश चौक। और ये ना मैं आ गई थी यहाँ पर, नांगलोई है ये शोरूम, इसमें तो यहाँ से मैंने ना छोटा मोटा अपना कुछ सामान लेना था, तो मैंने सोची कहा तो रहे हैं तो साथ साथ में अपना सामान भी ले लिया है। और ये देखो बहुत मतलब बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति थी ये पत्थर की, बहुत प्यारी प्यारी थी सारी, देखो इतनी सुंदर सुंदर है सब, क्या एक ही कती एक तो एक बढ़िया थी वाक्य में एक कती, तो मैं देख रही थी इनको, तो चलिए चलते हैं। ये आ गए हम नांगलोई, और नांगलोई से लेंगे हम सामान घर का, कुछ थोड़ा बहुत ख़त्म हो रहा है, दाल वगैरह तो ले आए थे लेकिन और सामान रह रहा है, तो वो लेंगे यहाँ से नांगलोई तय लिया कर हम, जो करते एक दो महीने का सामान लेना हो ना तो यहाँ तय भरा कर सामान हम, तो हम ले लेते हैं सामान और मिलते हैं आपसे, जो कुछ होगा शेयर करेंगे आपके साथ। और ये सामान हमने ले लिया था, तो ये दुकान भी नांगलोई में है चादरा की, तो सोची के चादर भी साथ साथ में ले ले, क्योंकि खराब हो रही थी चादर बहुत सी, तो देखो इस पर ना मतलब हर तरह की चादर मिल रहा है, बहुत बढ़िया निकला है, हम यहीं तक ले कर जाया करें, बाहर तो भी ले लें कभी बार, पर मैन दुकान तो यह है जिस पर हम ले हुए हैं, चादर ली हैं जो करता कई चीज़ ली हैं, दिखाऊंगे आपने शेयर करेंगे आपके साथ जो जो भी लिया है घर जाके, टाइम लगेगा तभी, तो हमने ये सारी चीज़ खरीद ली हैं, बहुत सारी चीज़ ली हैं इनमें, तो चलिए चलते हैं अब घर, और बहुत थक गए गाइस, का सामान में पड़ी है यो लिया है हम सामान, रीति का देखो क्या कर रीति गद्दम पलोट रही है,
और ये लिया है हम सामान। पहुंच गए और सामान अन्नी लान लग रहे हैं। माने तो ले गए ना तू स्कूल में जा रहा था। स्कूल जरूरी है सामान पाती। और हम जा रहे हैं नरेला मार्केट में, तो देखिए वहां क्या लेंगे, आपको दिखाएंगे, जरूर शेयर करेंगे आपके साथ। और हम आ गए हैं नरेले के बाजार में। क्या था, क्या की? अच्छा अच्छा पहला ऊपर चल लगी चलते फिर एक मोबाइल के पास से या उसकी को नहीं, या की नरेला भी घूम आए हैं, दवाई भी ले आए हैं और सब जगह घूम आए हैं। और अब हम आए हैं 8:30 बजे, ये खाना वाना बनाऊंगे, कुछ खाओगे, देखो के बनाऊंगे के खाऊंगे। तो गाइस बिल्कुल थक गए हैं, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। बाय।